जो हैं अब एनडीए में हैं, यानी एनडीए ये कह रहा है कि अब हम हमारे हैं, तो 2024 के लिए अब हम तैयार हैं और इस पर अब आगे की रणनीति, आगे की तैयारी तय होगी। लेकिन सवाल है कि जीतनराम मांझी जो इच्छा रखते हैं, जो मंसूबा पाले बैठे हैं, या फिर जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिस संख्या बल के साथ, जिस ताकत के साथ, क्या यह मनोकामना वहां पूरी हो जाएगी? इसके लिए क्या कोई डील हुई है? हालांकि अभी कह रहे हैं कि इस पर कोई बातचीत नहीं हुई। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा शुरू करते हैं। ...2024 की लड़ाई से पहले विपक्ष जोर आजमाइश कर रहा है। 23 जून को पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में 18 दलों के नेताओं की बड़ी बैठक होनी है। बीजेपी को हराने की रणनीति के बीच बीजेपी विपक्ष को लगातार झटके पर झटका दे रही है। बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जीतन राम मांझी और हम अध्यक्ष संतोष सुमन के साथ मुलाकात के बाद मांझी ने ये ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम अब से एनडीए का हिस्सा है। और इसी के साथ विरोधियों के खिलाफ एनडीए का कुनबा और भी मजबूत हो गया है कि हम आज से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर एनडीए का एक पार्टनर होने को मान लिया है, तैयार हो गया है और हर तरह से एनडीए के साथ हम लोग देंगे, यही विचार विमर्श हुआ है। एक आध दो महीना के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम मुलाकात करेंगे। दिल्ली में अमित शाह के निवास पर इन नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक मुलाकात हुई। बैठक में नित्यानंद राय भी मौजूद थे। न्यूज 18 से बातचीत में मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कहा कि उनकी पार्टी अब सैद्धांतिक रूप से एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। सीटों के तालमेल को लेकर आगे की बैठक में बातचीत होगी। हम लोग ने औपचारिक रूप से यह सहमति जताई सैद्धांतिक रूप से कि हम लोग आज से एनडीए के साथ रहेंगे और आगे की रणनीति फिर हम लोग साथ मिलकर तय करेंगे क्या होगा, कौन कितने सीटों पर हम लड़ेंगे। महागठबंधन से अलग होने के बाद से ही ये माना जा रहा था कि मांझी की पार्टी फिर से एनडीए का हिस्सा बनेगी। नीतीश सरकार में शामिल रहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के एकमात्र मंत्री और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था और महागठबंधन से पार्टी अलग हो गई थी। मांझी पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं, ऐसे में ये उनके लिए घर वापसी मानी जा रही है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली से अमितेश की आपने रिपोर्ट देखी। अमितेश ने एक दिन पहले भी पूछा था, अमितेश ने पूछा था जीतनराम मांझी से कि क्या चल रहा है मन में बताइएगा। सीढ़ियों से उतरते हुए जीतनराम मांझी ने कहा था कि आप लोगों ने तो मुझे यहां तक पहुंचा दिया है। समझिए इस बात को लेकर के कि पहले से मंशा रही होगी, मुलाकातें तो हो रही थी, कभी दिल्ली जाना हो रहा था, वहां मुलाकात हो रही थी और नीतीश कुमार ने इसी पर एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि अच्छा हुआ कि चले गए, नहीं तो ये मीटिंग वीटिंग हो रही है 23 तारीख को, ये अंदरवा वाला बात जो है वो जाकर के बता देंगे। इस पर काफी विपरीत है और खासकर जीतनराम मांझी इस बात को लेकर काफी दुखी भी थे कि आखिर ये जासूसी वाला उनके ऊपर आरोप क्यों लगाया जा रहा है। कई कारण रहे। सबसे पहले जो मुख्य बातें आज की रही, खबर क्या थी, वो हम आपके सामने प्लेट के जरिए फुल स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं कि देखिए क्या ये पूरा खबर सामने आ रही है। लेकिन हम चलिए सीधे डिबेट पर ही आते हैं। मृत्युंजय झा प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है। अभिषेक झा जी प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। पूजा सिंह जी का स्वागत राष्ट्रीय प्रवक्ता हमसे, और डॉक्टर संजय कुमार भी पहुंचेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद होंगे। पूजा सिंह जी, जो सोचा था वो हो गया, ख्वाहिशें थी वो क्या आज अंजाम तक पहुंच गई, और जिस गाने के मुखड़े का जिक्र हमने शुरुआत में किया, ये यहाँ बिल्कुल फिट बैठ रहा है। आपको लग रहा है कि बिल्कुल भगवान से ही मना रहे थे, भाई अच्छी जगह मिल जाए, सही जगह मिल जाए। जी देखिए, अगर कहा जाता है कि एक दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है तो दूसरे दरवाज़ा खुल जाते हैं, तो वही बात है। इनके साथ हमारे जो पार्टी के संस्थापक हैं उनके साथ दगा की गई थी, तो उनके सीने में खंजर भोका गया था। आप दरवाजा बंद करने की बात कह रहे हैं, वहां तो दरवाजा खोल के कह रहे थे कि आकर हमें मिल जाए। तो वही तो मैं कह रही कि एक दरवाजा जब बंद हो गई थी, दूसरे दरवाजे तो हमारे साथ खुलने ही थे और वो दरवाजे खुल चुके हैं, और वहाँ पे उन्हें लग रहा था नीतीश जी को कि हम तो जो है कि मांझी जी को पीछे करके हम आगे निकल जाएंगे,
तो इस गलत फहमी में वो जी रहे थे, मगर हमें कहीं ना कहीं तो एक दरवाज़ा खोलना था और एक किनारा पकड़ना ही था, तो हमने ये एनडीए का साथ लेकर के एक दरवाज़ा खोल दिया। मुझे याद आ रहा है कि तकरीबन ये 2015-16 की बात रही होगी, जब जीतनराम मांझी ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जो विशेष राज्य का दर्जा देगा, मतलब जो क्या अगर मोदी जी देते हैं तो हम उनके पूरे समर्थक बन जाएंगे। आज तक नहीं मिला जिस दावे की बात कर रहे हैं, लेकिन आज क्या ये एक मजबूरी हो गई और इस तरह की मजबूरी हो गई कि आज इसके अलावा आप लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था? बिल्कुल विकल्प नहीं था हमारे पास, क्योंकि एक तरह से समझिए कि विलय का नाम लेकर के उनको साइड करने की कोशिश की जा रही थी, और यहाँ तक कहने में कोई हिचक नहीं होगी कि नीतीश जी जो है वो दलित विरोधी गरीब विरोधी सरकार है। आप मजबूरी तो में एनडीए के साथ आप लोग गए हैं? देखिए, जब वो तो तब की मजबूरी थी क्योंकि उन्होंने एक साथ निभाने का, साथ रहने का वादा कर रखा था, लेकिन आज जब महागठबंधन ने जब सीधा गेट के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो हमारे पास भी तो कोई ऑप्शन नहीं था ना। नहीं, आप गेट के बाहर का रास्ता इससे निकल कर क्यों नहीं, अगर अभिषेक झा के पास हम चलेंगे अभी तो गेट का रास्ता थोड़ी दिखाया था अभिषेक, आपने कहा था कि निकल जाइए। नहीं, लेकिन आज आज खुशी भी होती नहीं, आज हमें खुशी भी हो रही है कि हम जिस बंधन में बंधे हुए थे उस बंधन से मैं बाहर निकल चुकी हूँ, तो इसमें बिल्कुल मैं खुश हूँ आज। लेकिन कल तक जो गरीबों के लिए बातें उठाई जा रही थी कि ये मजबूरी में, एक मजबूरी तो यहाँ क्रिएट होती है, आखिर क्या करते, एक तरफ दरवाजा बंद था जहाँ ये पहले की मजबूरी थी, जिसने दरवाजा खोला वहाँ चले गए, लेकिन आप ये जरा बताइए कितनी मदद कर पाएंगे अगर मजबूरी में गए हैं तो कितनी मदद कर पाएंगे एनडीए में? देखिए, गई मजबूरी में नहीं, यहाँ से निकली महागठबंधन से मजबूरी में, मगर वहाँ मजबूरी में नहीं गए, बहुत खुशी के साथ गई, और आज बोली तो कि हम बहुत खुश हैं, हमारे जो पार्टी के जितने लोग हैं वो बहुत खुश हैं कि कहीं ना कहीं जब हमारे ऊपर एक दबाव बन रहा था महागठबंधन में रह करके, उससे हमें छुटकारा मिल गया, निजात मिल गया हमें। लेकिन यहाँ छुटकारा, यहाँ जब भी हमारे मांझी जी आवाज को उठाते रहे, बातचीत करते रहे, उनको दबाने की कोशिश किया गया। ठीक है, ये कॉमन मिनिमम की बात थी, मंत्रालय में अपने लोगों को और भी जगह की बात थी, मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात थी, ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी। लेकिन इसमें एक बात तो है ना कि नीतीश कुमार खुले दिल से कह रहे थे आकर समेट लेंगे हम आपको, आप हमारे अंदर मिल जाइए, तो हमारे अंदर हम कहना चाह रहे हैं कि अपनी घरों को कौन बेचना चाहता है, वो हमारा घर है और हम उस घर को क्यों बेचना चाहेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डर लगा हुआ था, नीतीश जी को मांझी जी से डर लगा हुआ था कि हमसे कहीं आगे ना निकल जाएं, इसलिए वो कहीं ना कहीं उनको दबाने के लिए वो साइड कर दिए, उनके पास बोलने का मौका नहीं मिला कि हम आपको क्या बोल के निकाले, तो बस यही एक वजह बच गया कि आप विलय कर लीजिए। हम कहना चाहते हैं कोई अपनी अस्तित्व को इतनी मेहनत से बनाता है, लोग तो लगातार दिल्ली जा रहे थे, मिल रहे थे, हटाना चाहेगा। देखिए, दिल्ली जाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उनसे मिल रहे थे, हम उनके साथ पार्टी में जा रहे थे। अब दशरथ मांझी जी जो पहाड़ तोड़ करके एक अपना पर्वत पुरुष के नाम से फेमस हुए, तो क्या उनके लिए बात करना, उनके लिए ये रखना, तो क्या गलत है? दो एंगल ऐसे देखने का, दशरथ मांझी के बारे में आपने जब कहा तो आपकी जुबान से ये निकला कि उन्होंने पहाड़ तोड़ा था। एक एंगल इसका ये है कि उन्होंने रास्ता बनाया था, और वो रास्ता ऐसा बना कि आज भी वो रास्ता है और हजारों लोग उस रास्ते से जाते हैं, और जब भी जाते हैं तो मन ही मन हाथ जोड़कर दशरथ मांझी को प्रणाम करते हैं। हम सीधे रुख करेंगे अभिषेक झा का, और अभिषेक झा हमारे साथ तो बने हुए हैं। अभिषेक, भारत रत्न का, भारत रत्न को मांगना, ये क्या उनके लिए ठीक है? ठीक है, आप अपना अधिकार मांग रहे थे, आपको नहीं मिला, रास्ता को बनाने के लिए पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, समझे यूं कि या तो बर्बाद कर दिए या तो लोक के प्रेम में अपने जीवन को न्यौछावर कर दिए। ठीक है अभिषेक झा, तो उनसे मिलना और बात करना जी। हाँ अभिषेक झा जी, स्थिति तो समझ गए होंगे आप दरवाजा भी बंद कर दिए, आप कद भी छोटा कर रहे थे, आप उनके नंबर को अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिलवा पा रहे थे, छोटी दुकानें भी, कॉमन मिनिमम तक आप पहुंच नहीं पाए थे, चार चार आरोप हैं, इसका जवाब दीजिए। नहीं, बहुत सारे आरोप हैं, सबका मैं सिलसिलेवार तरीके से जवाब आपको दे दूं। ये दरवाजा खटखटाने वाली पॉलिटिक्स तो समझ से परे है। चलिए, जिनको दरवाजा खटखटाने का शौक हो, जिस दरवाजे पर ज्यादा कीमत मिल जाती हो, आप समझ सकते हैं कि उनकी दुकान में खरीद और बिक्री। आप ये कह रहे हैं कि जीतनराम मांझी बिक गए? अभी तो आने वाला वक्त आपको और भी बहुत कुछ नहीं, एकदम संदेश संकोच मत रखिए, क्लियर बोलिए। आपने कहा अलग तरीके से, एक बात बताइए, एकदम सीधे पर आइए, क्या आप कह रहे हैं जीतनराम मांझी बीजेपी के आगे बिक गए? आज जीतनराम मांझी जी ने
आज जीतन राम मांझी जी ने, उनके सुपुत्र हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संतोष सुमन जी ने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों की पुष्टि बखूबी कर दी। उन पर क्या आरोप लग रहे थे कि दल कहीं और था, दिल कहीं और, यहां की बात इधर से उधर कर देते। और जो सम्मान नीतीश कुमार जी ने जीतन राम मांझी जी को दिया, उनके सुपुत्र को दिया, महागठबंधन ने एमएलसी बनाया, महागठबंधन ने मंत्री, नीतीश कुमार जी ने मंत्री बनाया, सब कुछ भूल कर अगर दूसरा ही दरवाजा खटखटाना था तो खटखटा लीजिए ना, उससे क्या फर्क पड़ने वाला। आपने ऐसे ही तो नहीं बना दिया ना? मैंने आपके समय नहीं बोला, डिबेट का डेकोरम मेंटेन करिए, डिबेट का डेकोरम मेंटेन करिए। मैं आपकी बातें इत्मीनान से सुन रहा था। जीतन राम मांझी जी को जवाब देना चाहिए। जब गृह मंत्री अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कुछ बुनियादी प्रश्न किए कि नहीं किए? कहां गया दशरथ मांझी जी को इतना बड़ा सम्मान दिलाने का वादा? कहां गया पहली से लेकर आठवीं तक की अति पिछड़े समाज के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी गई? बाबू जगजीवन राम का अपमान होता रहा, उनके नाम पर चल रही छात्रावास योजना को बंद कर दिया गया। नए संसद भवन के लोकार्पण समारोह में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हुआ। जीतन राम मांझी जी उन लोगों से जाकर मिले हैं जिन पार्टी के नेता उन्हें जीतन राक्षस मांझी कह के संबोधित करते थे। ये कहां सुना आपने? एक दलित नेता का किस तरह का अपमान? नहीं, ये कहां सुना आपने? हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान पूरे देश में चला है, गूगल कर मृत्युंजय झा जी जरा आइए। उन्होंने साफ तौर पर ठीक है, मृत्युंजय झा जी आ गए। एक और बात रिपीट कर लूं, मैं एक छोटी बात और कह दूं, एक तरफ राम को मानने वाले लोग और एक तरफ राम को नहीं मानने वाले लोग, मैं दिखा दूं। माननीय नीतीश कुमार जी, आप ढूंढिए, आप ढूंढिए, मृत्युंजय झा जी आप नियति है, आप तलाशिए, वही बाकी लोग बोल रहे हैं। ठीक है अभिषेक साहब, तलाशिए, उपेंद्र कुशवाहा जैसा व्यक्ति अपनी पूरी पार्टी का विलय कर दिया, उस व्यक्ति का अपमान करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। जीतन राम मांझी जब से आए वो जेडीयू के कोटे में थे, हम सबको पता है, उनको जितनी सीटें मिली उस सीट पर लड़ने का उन्होंने काम किया। परिणाम क्या हुआ? हमेशा दबाव, और जब से सरकार में लगातार उन्होंने दलितों के विषय पर प्रश्न उठाया, उसके हक के लिए विषय उठाया, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि नीतीश सरकार ये काम ठीक नहीं कर रही है। उसके बाद उनको ये कहना कि आप पार्टी का विलय कर दीजिए और इस प्रकार का दबाव बनाना, और इतना ही नहीं, जब उन्होंने इस प्रकार की चर्चा करी तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारी घर की बात बाहर कर रहे थे। यानी एक दलित समाज के व्यक्ति जो नीचे से निकल कर आया है, उसका इस प्रकार से अपमान करना, उस प्रकार की बातें करना। लेकिन डिमांड तो आपके सामने भी होगी मृत्युंजय जी, डिमांड तो आपके सामने भी होगी। जीतन राम मांझी तो डिमांड करने में पीछे नहीं हटेंगे। आप ये समझ, ये अभी अभिषेक जी बोल रहे थे तो मुझे आश्चर्य लगता है, पूरा देश जानता है नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा भारत रत्न से लेकर पद्मश्री से लेकर पद्मभूषण से ऐसे लोगों को देने का काम किया जिसका कभी लिस्ट भी नहीं होता था, जिसकी कोई गिनती नहीं होती थी। हम लोगों ने सभी को सम्मान देने का काम किया है, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि सबका साथ सबका विकास एजेंडे पर हम काम कर रहे हैं, और इसलिए हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले हमारे कर्तित्व को देखिए। और इसलिए आज जीतन राम मांझी जब आए हैं और खुले मन से उन्होंने कहा है, आपके टीवी पर भी कहा है, चैनल पर भी कहा है कि हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। लेकिन उस डिमांड की बात कीजिए ना जो आपसे होने वाली है। दूसरी बात, जीतन राम मांझी ऐसे थोड़ी है कि फ्री में आ गए होंगे। जीतन राम मांझी से कुछ तो बात हुई, सीट वाली तो बात अभी बता नहीं रहे, भीतर खाने क्या बात हुई है। दूसरी बात विवेक जी मैं बताना चाहता हूँ, बड़ा बैलून फुला रहे हैं नीतीश कुमार जी। आपको अपनी तरफ खींचूंगा आज, मुझे ये बताइए जिस डिमांड की बात हो रही है उस डिमांड को क्या आप लोग फुलफिल करेंगे? चलिए यहाँ से मन नहीं भरा आप लोग से, ठीक है ना, अब तो नहीं छोड़ेंगे ना। उम्मीद आज कोई भी कर सकता है देश में, तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा हो सकती है एनडीए में ही रहकर। जब छोड़ा था तब भी तो नरेंद्र मोदी जी सभी विषयों को पूरा किया है। जब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ चल दिए तब भी तो नरेंद्र मोदी थे। नहीं, नीतीश कुमार जी के साथ चल गए, आप ध्यान करिए, जिस समय नीतीश जी के कोटे में जीतन राम मांझी गए थे उस समय भारतीय जनता पार्टी से अलायंस था, और जब ये अपने फायदे के लिए इधर से उधर होते हैं, हमेशा बयान दे रहे हैं। नहीं, जीतन राम मांझी ने हमेशा बयान दिया है, नीतीश कुमार जी के सिस्टम के खिलाफ दिया है, और उसके बाद इस प्रकार की बातें करना उनके बारे में एक दलित समाज। हम आते हैं जरा, आते हैं अभिषेक जी के पास, हम आते हैं डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर क्या कहना, हम आ रहे हैं, अभिषेक जी हम आ रहे हैं, एक मिनट आ रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार, 2024 के लिए तैयार हैं हम, अब समझिए कि जो फोटो पीछे लगी हुई है और जो चीजें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस डिमांड और उस आपूर्ति की बात कर रहे हैं कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप किस तरीके से इसे देखते हैं कि अब हम नीतीश के नहीं, अब एनडीए के हो गए?
देखिए, लोकतंत्र में कोई भी पार्टी किसी के हो सकता है, ऐसा थोड़े है कि कोई परमानेंट गठबंधन होता है। लेकिन कल तक जीतनराम मांझी कस्में किसके लिए खा रहे थे? नीतीश कुमार के लिए खा रहे थे। कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए चिल्ला कौन रहे थे? जीतनराम मांझी। क्या महागठबंधन में इनकी बात सुनी गई? दलितों के लिए जो 16 योजनाएं बिहार में चल रही थी वो घट करके 2-3 पर आ गई। कौन सा बड़ा दलित का ये हो रहा था मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, एक सवाल ये है कि जीतनराम मांझी को रोकना ये जेडीयू और नीतीश कुमार की बड़ी जिम्मेवारी थी। जब 2020 का परिणाम आया था, जीतनराम मांझी किंग मेकर की भूमिका में थे। अगर उस समय एनडीए के साथ न जा करके अगर वो आरजेडी के साथ चले जाते, जिस तरह के उन पर डोरे डाले जा रहे थे, कारण कहा जा रहा है ना कि वो तय करेंगे बार्गेनिंग कैपेसिटी, कहाँ बड़ा डील होगा, कहाँ छोटा डील होगा। डील करने का एक मौका तो जीतनराम मांझी को मिला था 2020 में। अगर उस समय उन्होंने डील नहीं किया और एनडीए के साथ निष्ठा दिखाई, तो ये जिम्मेवारी भी नीतीश कुमार जी की बनती थी कि उनको रोक करके रखें। और पूर्णिया की रैली में नीतीश कुमार ने ही कहा था कि भाई किसी भी कीमत पर हम जीतनराम मांझी को अपने से अलग नहीं होने देंगे। बिल्कुल, ये मैं नहीं बोला था, ये नीतीश कुमार जी बोले थे। बिल्कुल ठीक है, आज आपके पास से चले गए, लेकिन उनको नहीं रोकना ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। वो क्या बार्गेन कर रहे थे, कहाँ कहाँ डील कर रहे थे, कहाँ खबरें जो हैं वो यहाँ की खबरें वहाँ पहुँचा रहे थे, वो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर उनको आप नहीं रोक पाए और वो एनडीए के कुनबे में चले गए, मैं मानता हूं कि ये आपसे चीज़ें छूटी है। अगर आप महागठबंधन में 7 पार्टी था, तो एक बड़ा गठबंधन का एक पार्ट थे जीतनराम मांझी, और एक सिंबॉलिक तौर पर ही। उनके क्या लाभ मिलेंगे 2024 में, क्या घाटे होंगे 2025 में, लेकिन एक दलित चेहरा। डॉक्टर संजय कुमार, ये बताइए कि ये अगर जीतनराम मांझी संजीवनी बूटी ही हैं, तो चलिए यहां से उखड़ करके पूरे पर्वत के साथ जहां जा रहे हैं वहां पर कितना फायदा पहुंचा देंगे? देखिए, राजनीति में सिंबॉलिक चीजें चलती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि पर्वत उखड़ करके जा रहे हैं तो वहां बहुत बड़ा फायदा पहुंचा देंगे और यहां नुकसान पहुंचा देंगे। लेकिन हाँ, एक परसेप्शन क्रिएट होता है राजनीति में, भाई 7 पार्टियों का महागठबंधन तो आप बिहार में चला रहे हैं ना, और राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं कि हम विपक्षी लोगों को एक करेंगे, चूंकि सत्ता निरंकुश हो रही है। आप सत्ता को ही अंकुश में लाने के लिए ना विपक्षी पार्टियों को एकजुटता की बात 2024 की तैयारी है, उसके लिए तैयारी होते। डॉक्टर संजय, हमें जरा एक इक्वेशन बता पाइएगा कितना, क्योंकि जब डिमांड की बात होगी तो पीछे तो नहीं हटेंगे जीतनराम मांझी, तो सीटों का आकलन ठीक है, ये बता रहे हैं कि हम बाद में कर देंगे इसका ऐलान कि क्या बातचीत हुई है या फिर क्या होने वाली है, आपको लग रहा है कितने पर बात बनेगी? कुछ आशंका है, कुछ दिमाग में चल रहा है आपके? नहीं, वो तो मुझे समझ में आ रही है बात कि कितनी सीटों पर इनको समझौता किया जाएगा, चूंकि बीजेपी के पास देने के लिए भी है। कितनी सीटें वो जीती हुई है बीजेपी? 17। 23 पर तो वो छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ ही सकती है। भाई बीजेपी ने तो ये बिहार में करके दिखाया है कि 5 अपनी जीती हुई सीट वो इंडिया ये नीतीश कुमार जी को दे दिया था। अगर वो लगा कि हमको बिहार जीतनी है तो अपनी जीती हुई, जबकि सीटिंग सीटें कोई पार्टी छोड़ती नहीं देती, तो 23 अभी इनके पास देने के लिए है। और अगर 23 देने के लिए है, उसमें थोड़ा जीतनराम मांझी इनको बार्गेन भी कर लेंगे भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि जीतनराम मांझी को रोकने की जिम्मेवारी नीतीश कुमार की थी। अगर ये नहीं रोक पाए, विजय कुमार चौधरी को इन्होंने टास्क दे रखा था, इसके बाद भी अगर इनके कुनबे से वो निकल करके वहां चले गए, मैं मानता हूं कि अब आरोप का वक्त नहीं है, चीजें आपसे छूटी है। इसको आज नहीं तो 2024 या 2025 में इसको आप समझिएगा। चलिए अभिषेक के पास आते हैं। अभिषेक, समय कम है, देर से आए हैं, लेकिन हमें जरा बताइए क्या रिकॉर्ड हुआ जहां से आपने कुछ मंगवाया था? नहीं नहीं, मैंने आपको और आपके चैनल को भेज भी दिया है, अगर आप उस आर्टिकल को उस वीडियो को देखेंगे। नहीं नहीं, वीडियो आप बजा सकते हो तो बजाइए, माइक लेके बजाइए, अगर हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान है बजाइए। साफ तौर पर उस वीडियो के उस लिंक में है कि किस तरह से। हाँ बजाइए, माइक के पास रखिए, जरा बजाइए। मांझी की पार्टी की तरफ से भी देखिए बयान सिर्फ चलाइए। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रखी। जितिन राम मांझी का नाम बदलकर जितिन राक्षस मांझी रख देना चाहिए, ऐसे में अब मांझी की पाना चाहिए। आपको बताएं कि हम के प्रवक्ता जिनका नाम इनका पलटवार भी चल रहा है, बयान सुनाइए। उन्होंने कहा है कि रियासत सामने आई, ये सब तैयार रखिए अभिषेक जी, अगर बयानों से हमला करना है तो पूरा प्रवचन नहीं एकदम। नहीं नहीं, ये तो मीडिया के पटल पर है, मुझे ताज्जुब है कि आपकी आपके नहीं, नहीं, नहीं। हर एक चैनल ने चलाया था, आश्चर्य राक्षस मांझी विवेक जी, ठीक है, राक्षस मांझी की पार्टी के बारे में कई लोगों के कई बयान है, निकालना शुरू करेंगे तो हम लोग के पास पूरा ये डाइजेस्ट तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, लेकिन इतना तय है कि जो बातें क्लियर है वो है कि जीतनराम मांझी अब
नीतीश कुमार के पास नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ हो सकता है, इधर उधर तो चलता रहता है, कोई इधर है पता नहीं कब किधर हो जाएगा। इतना तय है कि जो तैयारी इस वक्त बीजेपी कर रही है उन सभी समीकरणों को जोड़ने के लिए, सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखने के लिए, और जिस सिंबॉलिक की बात डॉक्टर संजय कर रहे थे वो सिंबॉल ये खींच कर लाएगा वोटों को, तो बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अब देखना होगा भविष्य में क्या होता है, सीटों पर क्या बात बनती है, ये जानना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सिवान के दरौंदा बाजार में जिला प्रशासन ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। दरौंदा सब्जी मंडी में बुलडोजर चलाकर कई दुकानों को जमीन दोज किया गया। करीब 6 से ज्यादा दुकानों पर कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। मजिस्ट्रेट के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी से दुकानों को तोड़ा गया। जेसीबी के माध्यम से आज दरौंदा के अंदर 8 दुकान तोड़े गए। किनके आदेश जा रहे हैं? किनके आदेश से तोड़ा जा रहा है? हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह जेसीबी से दुकान को तोड़ा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि दरौंदा सब्जी मंडी में अतिक्रमण करके दुकान बनाई गई थी जिसे तोड़ा गया है। नवादा में इस्लामनगर स्थित पटना रांची एनएच 31 पर एक खड़ी टेलर में डंपर ने टक्कर मार दी जिसमें टेलर के खलासी की मौत हो गई। खलासी की पहचान हरियाणा के राहुल कुमार के रूप में हुई है। इस संबंध में टेलर के चालक जियाउल खान ने बताया कि वो पटना से माल खाली कर झारखंड के बरही जा रहा था। इसी दौरान चाय पानी के लिए सड़क किनारे टेलर को खड़ा कर दिया गया।